दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीके आज आपके बीच में वर्कआउट लेके आया हूँ, नवा वर्कआउट। तो ये वर्कआउट जो है हमारे शोल्डर का, कि आप डंबल के साथ जो है शोल्डर का वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, चाहे आप घर में बैठ के, चाहे आप पार्क में जाओ, चाहे आप जिम में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप कैसे जो है शोल्डर का वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मशीन नहीं है तो आपने क्या करना है, डंबल ले लेने हैं छोटे छोटे से, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो किलो के डंबल ले लेने हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, ये देखो, ये जो है शोल्डर की सबसे पहली एक्सरसाइज है। तो इसके आपने 3 सेट लगाने हैं और 3 सेट में 12-12 रैप देने हैं। सेकंड जो हमारे पास डंबल के साथ वर्कआउट है वो है इसी, इसको हम बोलते हैं साइड रेसेस। तो इसके भी आपने जो है 3 जो है सेट लगाने हैं और 3 सेट में जो है 12-12 आपने रैप देने हैं। तो ये हमारे पास 2 वर्कआउट थे। अब थर्ड वर्कआउट जो है वो है हमारे पास फ्रंट रेस। यस, जब भी आपने फ्रंट रेस लगाना है तो आपने क्या, एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप यहाँ पे मूव करते हो तो यहाँ पे आपने 1 से 2 सेकंड जो है आपने अपने शोल्डर को, अपने आर्म को जो है वो होल्ड करके रखना है, फिर उसके बाद जो नीचे लेके आना है। तो दोस्तों, ये 3rd सेट था और ये सेट भी आपने जो है क्या करना है, 12-12 जो है रैप देने हैं, 3 सेट इसके भी कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 4th जो वर्कआउट है वो है हमारे पास ये चीज, ऐसे ये 4th वर्कआउट है, ये हमारे समझ इसके लिए होता है। तो इसके भी आपने जो है 12-12 जो है रैप देने हैं और 3 सेट में इसको भी कंप्लीट करना है। तो ये 4 वर्कआउट है जो आप घर बैठे कहीं पे भी आप डंबल परचेज कर लो और ऐसे जो है वो डंबल परचेज कर लो, 1 किलो के 2 किलो चाहे 3 किलो के, तो आप उनको कहीं पे भी ले जाके जो है आप वो बैठ के जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये वर्कआउट था वो आपके लिए इसलिए था क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, फ्री भी होते हैं, या जिनके पास जिम में टाइम नहीं लगता या जिम में मशीन नहीं मिल रही है, तो क्या कर सकते हो आप, कोई भी डंबल उठा के जो है वर्कआउट कर सकते हो। तो ये 4 आपने सेट शुरू करने हैं। तो ये चारों के चारों जो हैं डंबल बेस से, तो डंबल बेस जो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।